बगिया में तो है यहाँ साल गाजे तो गिरी रहा ढाबा होते रोटी मिलते खर्चा पैसा दे दे रोटी मिल जाए ऊपर वाले इनके ऊपर चढ़े बेचारे इनको नहीं मिला ले मालूम बहस के सारे मिल गई चलो आगे आओ हटो थोड़ा तेल नीचे डाल दो हाथने में चाहिए पूरा हाथ पकड़ने हैं इस पर बज गया नाखून लग जाते हैं बड़ी जोर से लगा ले भाई इतना हाथ दे दियो फिर भी संतोष नहीं तुमका ले पकड़ो अब वो गेहूँ गेहूँ बाद में खाई है लोग है ना तेरे बच्चा देखे रहो कोई गेहूँ ना भर लिया का नहीं 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 कोई नहीं भरेगा काम नहीं उनका जदान है दान का है यहाँ देखा है जहाँ आप जाएगा भाई खाएं चाहे बिथरा दें कोई मतलब नहीं नहीं एकदम आओ ट्यूली आई ना वो गेहूँ खाई बड़े बड़े रहते थे सब ढूंढ लेते ना छोट छोट तो लावट नहीं कालिन के बाबा का नहीं सब पकड़ पकड़ है ना आज पंच डाल दादी वाले बाबा आवत है खवावे हां हां आवत है आवत वो आवा कर रहे थे खवावे उनका पकड़ के है ना सब जने मां आज खोई की डाल रहा थी रोज रोज ये किया है रोज नहीं आती मतलब वही चुका नहीं जा रहा था लगे अब वही में मैं रोज खिलाता हूं यही मारे हम लोगों से कही देखो भाई बिना जाने समझे कोई के ऊपर न करो गांव वाले बताएंगे नहीं बताएंगे तो रोज नहीं आते हैं तो और बताएंगे हम रोज आते हैं ताकि लोग पैसा भेजें गलत बात यहाँ लोग पाओ में तो कहो बांदर खा जाए इनका खवाई को नहीं कालीन पर के बाबा कबो बिस्कुट खवा खवा अब बताओ बिस्कुट खिलाने की चीज है जब तुम गांव नहीं गांव में रहते हो इनका रोटी दो अच्छा एक बात बताओ तुमका कोई कहे कि बिस्कुट खाओ भोजन न मिली तो कहा गई हो कही हो कि का बैदान हो का रोटी खाई हो कि ना खाई हो जब तुम गांव में रहते हैं बाबा तो रोटी खिलाओ बिस्कुट क्यों लाते हो इसके मतलब एक नाटक लावा थी बाबा मतलब जौन है ना वो करे थे तो लावा थे अरे बिस्कुट नहीं गांव में रहा था ना डलावन में पूरी भर के अरे भैया तो वही कोई देगा तो देगा नहीं रोज आने तब वही मैं कह रहा हूँ तो ठीक है मैं वाणी को विराम देता हूँ इधर देखा दीजिए ग्रामीणों को सब कोई सारे गांव आ जाए सब आ जाए इंटरनेट पर सब आ जाएंगे भैया अब गेहूँ वहाँ पड़ा है अच्छा इधर देखा ये लग रहा है टीनों पाप से स्नान किए हैं इतना दुनिया में कोई पाउडर नहीं बना होगा इतना साफ स्वच्छ दिख रहे हैं क्यों ये प्रकट के साथ में है ये प्रकट के साथ में है जो भगवान चाहते हैं वैसे ही लोग रहते हैं तुम खड़े हो तुम हम पंजन का डर लगा हां हां अब हमारा तो काम ही यही है हमारा तो डर लगा हां यही काम हम करे 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 सब वो हो गया ये नहीं छदर अपन कर दे ने टाइम में हेरिए ज्यादा है और के ऊपर कांधे पे चढ़ ले ना कैसे धर के खेल हम भरा वगिर एक एक कोनो यहां ट्रांसफार्मर में बंदर के बच्चा जल ही गया रहे दो चार महीना पहले तो राम सिंह ले गए रहे तीन दिन हमारे यहां रहा वो खाने पीना त्याग दे हिस्सा है फिर उनका ला के यहाँ छोड़ा रहे तो लोग कहें कि हुआ रही धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी अच्छा तो एक तो यहाँ मिल एक तो यहाँ मिल गए पंडित के गिर कर हम तो गिर पा रहा है तो दवाई कर आए थे हाँ तो कौन हम तो उठा कर बड़े गर्व हुआ थे उठते हाँ ये हमारा नंबर जो है आप लोगों के लोग जान जाओ वह नंबर से बताओ हम तुरंत आके इनका ले जाइए कहाँ पे बाबा हम बरेली से आई थे ना रायबरेली से हम यहाँ कालीन में आई थे मझलहा जाई थे मझलहा का मंदिर हम ही तो बनवावा है लोगों से कई करके कई लाख रुपया लगा है राम सिंह के एकदम बनी है कई लोगों से कह दी तो लोग हम लोग विश्वास कर जानत की बाबा एक पैसा खाई ना जो उन कही जो वही भेज दे और वही पैसा हम ईटा वाले की दे दी सीमेंट वाले की दे दी तो ठीक है कि ये बताओ रतनसीपुर मछलहा होके चला जाए वही बढ़िया रास्ता है बढ़िया रास्ता हुए मछलहे हो के हुए
रतनसीपुर में भंडारा है। ढोड़ा ढोड़ा ताए हुए हैं। अरे कहाँ रेवड़ी पेवड़ी ढोड़े ढोड़े मर गए हम। अरे यार दूर तीन सही है। अच्छा काल ताने घर में सुबह से हम लगे हैं और कोने कोने गांव गए रहो बच्चा सकरा कहाँ हम तीन घंटा से ढूंढ रहे हैं। हजारों रुपया घुस गया यही में खाली कहाँ कहाँ तो हम कहा चलो वहाँ बिसौरा में मिलेंगे। देखो इधर देखो कितने साफ स्वच्छ बने हैं एकदम है लग रहा है तीनों पाल से नहाई नहीं है। आदमी को इनसे सीखना चाहिए नहीं बैनामा करें नहीं बेईमानी करें कुछ नहीं करें और ये भगवान के मित्र हैं और हम लोग है। नहीं इनके नाम से बनवा दिन मंदिर इधर देखो हमारी ओर इनके नाम से मंदिर बना लिया और धंधा चालू कर दिया और बन गए बाबा। अब बेवकूफों की कमी है नहीं। तब कितने बाबाओं से कहा तुम अपने अड्डे में इनका परखाओ यही कालीन वाले बाबा से कहा तुम इनका अपने अड्डे में परखा लो रोज दे अड्डा बन जाएगा। पानी बगल में है ही है तो जहाँ पानी नैया है पानी है और दाना है वहाँ बंदर पहुँच जाएगा। लेकिन ना मझलाह में कहा ना कौनो बाबा से कहा ना बस सब आडम्बर वाले मेरा मंदिर का करी हो मंदिर बनवाए के असली तो ये बैठे हैं और तुम पत्थरे का चढ़ाए वो खुदे खा गए। ये कौन तरीका है पत्थर को देना पत्थर खाता है। अजी पूजा करो हनुमान स्वामी के मंदिर बनाओ हम मना नहीं करी लेकिन पहले बंदर खवाओ तब तुम मंदिर जाओ वरना कुछ पहियो ना आज तक कोई का मिला है। कह लिए गली गली लोग बाबा लोग घूम रहे हैं कह लिए गली गली भीख मांगत है काम करोगे पैसा चल के आवेगा। आज यही काजिल के बाबा से कहा कितने साल भाई और 17 बंदर गाड़ा हुआ लाए के हम 17 बंदर जो मर गए हुए दफनावा है हम कहा हुआ मंदिर बनवा लो पैसा तुमका हम दे देंगे बस। नहीं मतलब पहले बंदर खिलाओ अगर बंदर आप बंदर की नहीं बंदर की सेवा करो ना भाई बंदर की सेवा नहीं करोगे नहीं तो मैंने कहा कि अरे तो वहीं पर कामे ना बगले में चना लाया कहूँ नहीं तो वहीं पर कामे ना अगर पर कामे तब तो ठीक है। अब यह तरह से बाहर बाहर से काम न बनी तो ठीक है साहब। आप देखो गेहूँ डालेगा धीरे धीरे खा रहे हैं जब ये हट जाएंगे तो जिनको नहीं मिला है फिर वो खाएंगे आकर है ना। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और जितने लोग फरमाइश करते हैं मेरे नाम से तो भैया हम जगह जिले का नाम ले लेंगे हम हर आदमी का नाम नहीं ले पाएंगे हमारा कोई धंधा नहीं है। आपने देखा कि सुबह से कितना हम परेशान हुए लौटा हमारी कितनी मदद कर रहा है। वो एक लौटा था बेचारे को उसको है ना हमने कहा दे दे बेचारा छोटा सा लड़का 10 रुपया भी दिया कि बेटा बताओ नाम कहाँ कहाँ झोरा इन लोगों से देखो कहाँ कहाँ है बेतौरा बेतौरा मिल गए कि नहीं मिल गए। अच्छा पहले इटाहा में रहते रहे अब नहीं दिखाई पड़ती लेकिन यहाँ तो अब बना के रहा बेतौरा के अगल बगल और मझलाहा के मुंशी के पुरवा में रहा मझलाहा में कम रहा तो ठीक है। वाणी को मैं विराम देता हूँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलो बन सर।